हेलो फ्रेंड, हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल रियल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, ब्लॉग मेरा आज यहीं से स्टार्ट मैं करती हूँ। तो मेरे कुछ सारे कपड़े धो के और सुखा के मैंने रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज यहीं से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहीं से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सारे कपड़ों को अपने जो है समेट लेती हूँ अच्छे से फोल्ड करके, और फिर मैं इसको रख लेती हूँ। बीच बीच में जो है मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, इसके लिए सॉरी, कंटिन्यू नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा बहुत जो है मोबाइल में जो है, इसमें दुकानें खुल नहीं रही है, मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, तो ब्लॉग जो है इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये जो है ना, मैंने अपने कपड़े जो है सारे फोल्ड कर लिए, और ये बेडशीट भी मैंने धोए थे तो मैं इसको भी फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये बेडशीट भी फोल्ड करके उसके बाद रख लेती हूँ। और एक लोग ने मुझसे पूछा था, मेरी कोई दीदी है, पूछा था कि आप दूध थैली वाला लेती हैं या मतलब कि एनिमल का? तो मैं ले आती हूँ, भैंस का दूध ले आती हूँ, यहीं पर मिल जाता है। तो मेरे यहाँ भैंस का ही दूध आता है। तो ये देखिए, मेरे जो है ना सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, और ये देखिए मेरा बिस्तर उस्तर, मेरे सारे काम जो है ना ख़त्म हो चुके हैं, केवल कपड़ा धो के और सुखा के मैंने रखा था। ये देखिए, तो आप देख ही सकते हैं, ये जो है, ये दो चार बर्तन मेरे बचे हुए थे तो मैंने इसको भी धो लिया है, इसको भी धो के ऐसे ही रख दिया है, इसको लगा लेती हूँ। और ये फ्रिज का जो है ना, मैं ऊपर जो इसके कपड़ा बिछाए थे उसको भी मैंने धोई थी, क्योंकि उस पर थोड़ा सा धूल मिट्टी हो गया था तो मैंने उसको धोया था। फ्रिज के कवर नहीं गंदा हुआ है क्योंकि मैं हमेशा उसको बिछाते रहती हूँ। तो देखिए, मैं सारे काम भी कर चुकी हूँ। मैं अपने बाल में कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा सिंदूर बिंदी, बस मेरा सिंपल सा ही होता है रोज का रूटीन जो है। तो ऐसे ही बहुत गर्मी है तो मैं ऐसे ही केवल जूड़ा लगा लेती हूँ, थोड़ा सा कंघी करके और मैं जूड़ा लगा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो गर्मी के कारण जो है ना नहीं वो हो रहा है, तो मैं जूड़ा लगा लेती हूँ ऐसे ही। देखिए, और ये जो बिंदी है ना, बिंदी के पत्ते से जो बिंदी है वो चिपक गई थी बहुत वैसे, तो निकल नहीं रही थी। और मेरे जो नाखून है ना वो मैंने काट दिए हैं तो और नहीं जल्दी निकल पा रहा है, तो इसलिए ये सिंदूर है मेरा, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, और ये सिंदूर है तो मैं इसे भी लगा लेती हूँ। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है हम सुहागनों के लिए, आप सबको पता ही होगा, इसके बिना तो सारा श्रृंगार जो है ना अधूरा है। तो आइए फिर, तो ये थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ, मैं यही सूखा पाउडर थोड़ा सा लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो मैं यही थोड़ा सूखा पाउडर लगाऊंगी। जो यहाँ पे हूँ ना, मैं यही सूखा पाउडर लगा लेती हूँ केवल, यही पॉन्ड्स का, बस मुझे यही पसंद है तो मैं यही थोड़ा सा लगा लेती हूँ, और मैं हो गई तैयार, और मुझे कुछ नहीं करना होता है। हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ प्रिया, अपना चैनल प्रिया रियल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में बहुत सुरक्षित भी होंगे। तो आज जो है ना, मैं अपना ब्लॉग जो है, मेरे सारे कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया, तो यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे, आप देख सकते हैं सारे काम जो हो चुके हैं, और मैं नहा धो के आ भी चुकी हूँ, और मैंने ये नाइटी डाल रखा है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, आप सब देख भी सकते हैं।
अभी मैं नहा के आई हूँ, फिर मैं पसीने से तर तर हो चुकी हूँ फिर, और क्या बताऊँ, बादल सी हो रही है, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश तो हो नहीं रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद, और हमारे यहाँ जो है ना दुकानें सब थोड़ी बहुत अब खुल रही हैं यहाँ पे, तो ये जो है ना मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे, ये थोड़े से थे तो मैंने अभी धो के रखे हैं, इसको मैं टांग देती हूँ जगह से। कैसे है आप? और यहाँ पे जो है ना वैक्सीन की भी बहुत दिक्कत चल रही है, वैक्सीन भी नहीं मिल रही है अभी, कोरोना वाला, कोरोना का वैक्सीन भी नहीं मिल रही है। तो और इग्नोर कीजिएगा यदि और भी आवाज़ जाए, यहाँ गली में बच्चे जो है ना बहुत शोर मचाते हैं, तो बच्चे हैं, स्कूल खुल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वो शोर करते ही हैं, क्या करेंगे। और यहाँ पे जो है ना गर्मी लगने के चलते ये बालों को मैंने ऐसे ही समेट के बस लगा लिया है, तो क्या बताऊँ। और तो चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आदर्श जो है ना अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, तो आदर्श यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। और यहाँ शाम का ये जो क्लिप है, तो मैं मार्केट से सब्जी लेके आ चुकी थी, तो यहाँ पर मैं भुट्टे हिलाए थे, तो यहाँ पर आग तो जला नहीं सकते, गर्मी बहुत लग रही, तो मैंने इसको ना गैस पे ही भून लिया है, क्योंकि मुझे भुट्टा जो है ना बहुत पसंद लगता है, तो यहाँ पर मैं भून लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए एक प्लेट पर मैंने एक भुट्टा भून लिया है, और यहाँ नमक ले लिया है और नींबू ले लिया है, नमक और नींबू भुट्टे पे लगा के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, आप सबको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है भुट्टा। तो यहाँ पे मैं सारे भुट्टों को भून लेती हूँ, और मैं सबसे पहले तो आदर्श को एक भुट्टा में नमक और नींबू लगा के और दे देती हूँ उनको खाने के लिए, फिर मैं भी खा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ना सब्जी लेके आई हूँ, यहाँ पे ये परवल है, कच्चे आम और खीरा है, तरबूज है, और मैं टमाटर ले आई थी, भुट्टा लेके आई थी, सब कुछ लेके आई थी, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है, फिर मैं इसको धो लूँगी बाद में वॉश करके, और फिर मैं इसको रखूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे भुट्टे भुन चुके हैं, मैं भी खा लेती हूँ, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे जो है मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, तो मैं कुकर में पहले चढ़ा देती हूँ दाल, तो दाल को धो के और मैं उसमें जो है नमक और हल्दी और पानी डाल के और एक टमाटर भी डाल दिया है, और इसको बनने के लिए रख दिया है। और इधर फिर मैं बनाऊंगी आज आलू परवल और टमाटर का चोखा, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको भी बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये नमक भी मैंने इसमें डाल दिया और हल्दी भी डाल दिया, अब इसको मैं चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए तब तक मैं परवल को काट के दोनों साइड से अच्छे से छील लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, उसी तरीके से आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और छील के। और ये देखिए, और इसमें मैंने सारे जो परवल है ना छील लिए हैं, और उसके बाद दो टमाटर डाल के अच्छे से धो के और इसको थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए पुदीना है, जो मैंने गमले में पुदीना लगा रखा है, उसमें बहुत पुदीना हो रहा है, तो मैं पुदीने और कच्चे आम की चटनी बना लेती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगा था, बहुत ही टेस्टी बना भी था। तो यहाँ पे देखिए मैं आम को भी छील लेती हूँ धो के, और उसके बाद जगह इसको काट के और मैं फिर इसको सिलवट्टे पीस लूँगी। तो मुझे मिक्सी की उतनी अच्छी चटनी नहीं लगती है, कोई सी भी हो तो मुझे सिलवट्टे की ही अच्छी लगती है। तो ये मैं धो लेती हूँ इसको, और उसके बाद जगह फिर से काट लेती हूँ, फिर मैं चटनी भी बना लेती हूँ।
और इधर जो है मेरा ये बन रहा है, तब तक से उधर दाल चढ़ रहा है, इधर और ये बन रहा है। फिर मैं सारे आम को भी मैं काट लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ परवल और टमाटर को किस तरह से जो है मेरा आलू परवल और टमाटर जो है उबल रहा है, तो मैं आपको चेक करके एक बार दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये उबल रहा है, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, हो जाने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैं निकाल लेती हूँ हरी मिर्च, तो ये रखा है हरी मिर्च क्योंकि चोखा में भी डालना है और चटनी में भी डालना है, तो मैं ये 4-5 हरी मिर्च निकाल ली हूँ। तो ये देखिए मैं चटनी पीस लेती हूँ इसका। और ये अब देखिए जो हमारे टमाटर और परवल है ये हो चुके हैं, तो इसको भी मैं उतार लेती हूँ। ये मैं चटनी पीस के लेके आ गई हूँ और मैं इसे टमाटर का भी छिलका उतार लेती हूँ। अभी बहुत गर्म है, जो उतर रहा है उसका उतार लेती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं ठंडा होने के बाद मैं उसे उतार लूँगी और फिर उसके बाद जगह से मैशर से मैं मैश कर दूँगी सबको। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मैं इसको कर लेती हूँ। तो इसे जो है ना मैं मैशर से देखिए इसी तरीके से इसे मैश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आलू को भी छील के, और मैंने इसमें दो आलू डाल दिए हैं, तो मैं उसे भी इसी में मैश कर लूँगी। और फिर इसमें थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल डाल देंगे और हरी मिर्च को काट के डाल देंगे और आलू को भी डाल देंगे, और फिर हमारा ये चोखा जो है बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमने इसमें तेल और नमक और हरी मिर्च डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे चटनी में भी डाल दिया है तेल और नमक। तो यहाँ पे मैं सलाद काट लेती हूँ, तब तक से खीरा और प्याज मैं ये काट लेती हूँ। तो मुझे हसिया से काटने में जो है ना बहुत आराम लगता है, तो मैं हसिया से ही काटना पसंद करती हूँ ज़्यादा करके। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं कोई भी सब्ज़ी मैं हसिया से ज़्यादा अच्छे से काट लेती हूँ, तो बहुत हद तक तो चाकू से ही जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। और कभी जब कभी बैठ के करने का मन होता है तो मैं हसिया से ही काट लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे जो है हरी मिर्च प्याज और खीरा जो है कट चुके हैं, तो मैं सब काट लिया है। तो हमारा जो है ना डिनर जो है बन के तैयार हो चुका है, तो आ जाइए आपको भी डिनर करने के लिए। यहाँ पे जो है मेरा चावल इधर बन चुका है, बन रहा है, और ये देखिए चोखा बन के तैयार हो चुका है, ये सलाद है और ये दाल है, ये चटनी है और ये रोटी है मैंने, और ये तो आज का ब्लॉग जो है मेरा यहीं तक था। सारे उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग जो है ना आपको पसंद आएगा। मैं इसे भी गर्म कर, और फिर से एक बार कहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और ये देखिए ये सूट जो है ना आज मैंने पहना हुआ है, तो आप बताइएगा मेरा ये सूट जो है कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा सूट कैसा लग रहा है आप सबको। तो और मेरा जो ब्लॉग है यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर तो चलिए मिलते हैं।